ये था हमारा दुबई, अब फुल खेलेंगे आज तो। पैसे बहाने तो जी मजा आ गया कैसीनो का, तो चीज और मिल जाती तो बढ़िया रहता। अरे इनका टू व्हीलर फोर व्हीलर, जैसे कि आपको पहले बोला था आज हम दुबई में, ये आ गई दुबई की रेट। ये था हमारा दुबई, अब गोवा या दुबई देखिए जी, अभी के हिसाब से तो हम ये कहेंगे कि दुबई, फिर वहाँ पे जितना भी फंक्शन वगैरह होगा शायद अंदर ही होगा। टेम्परेचर 30-32 है, बट जो ह्यूमिडिटी है ना कतई झेरे झेरे झेरे, बस वही खा रही है, बाकी तो सब बढ़िया। हमारे फ्लाइट है रात को 1 बजे की, अभी बज रही है सुबह के 8। ऐसे ही नहीं होता सर, मैनेजमेंट बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ लेना, बहुत कुछ करा है। 12:15 ही हुआ है सर, 12:15, हाँ 12 ही हुआ है, अभी तक 5000 स्टेप्स चल गए, बात सोच लीजिए। तो जी हमारे बैग्स रेडी हो चुके हैं, अभी लॉजिस्टिक्स का काम चल रहा है यहाँ पे, फटाफट से निपटाते हैं फिर हम जाते हैं घूमने के लिए। तो जी फाइनली इस गोवा की गर्मी से आज रात मिल जाएगी। तो ये आ चुके हैं रेस्टोरेंट, अब खाएंगे खाना वाना। तो जी बात है ऐसी की है, आपको उस दिन का बीच का हमने व्यू तो बता दिया था और हम चले भी गए थे, तो फिर हम सोच रहे हैं कि कैसीनो जाते हैं, क्योंकि अगर हम बीच पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और वो तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि तीन चार दिन से इतनी गर्मी हो रही थी, तो कैसीनो जा रहे हैं। कैसीनो बेबी फुल खेलेंगे आज तो, पैसे बहाने दूसरों को। यहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं है, तो मुझे पता नहीं कितना कॉन्टेंट बनेगा कितना नहीं, बट जितना बन सकता है उतना बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। मजा आ गया कैसीनो का, तो मतलब हमने खेला कुछ नहीं पर खाया और एंजॉय करा पूरा। फाइनली आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, वापस जा रहे हैं हम अहमदाबाद। गोवा को छोड़ने का समय आ चुका है, अब जाएंगे अहमदाबाद, अभी बज रहे हैं रात के 1:30, जाएंगे और फिर सो जाएंगे अहमदाबाद जाके, और फिर जो है कल शाम को या फिर परसों सुबह जो होगा हम जाएंगे उदयपुर। आ चुके हैं अहमदाबाद, सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की है वो है यहाँ की ठंड, यहाँ पे भी है टेम्परेचर 22। देखते हैं डेडी बार आ ही गए हैं, ऑलमोस्ट हमारा लगेज जो है आ चुका है यहाँ पे, उसको लेके चलते हैं बाहर और फिर जाएंगे बहुत यहाँ पे, वहाँ जाएंगे सो जाएंगे, आज की कहानी खत्म। तो जी नेक्स्ट डे उठ के हमने ज्वाइन करा हमारे बुआ के घर पे माता जी का 9 चंटी का पाठ, जिसमें कि हमारे सारे मेंबर फैमिली के आए हुए थे, तो हमने ये फंक्शन भी इंजॉय कर लिया है। फर्स्ट डे तो गुरु जी का पाठ था, वो नहीं ज्वाइन कर पाए, बट इसको हमने पूरी फैमिली के साथ इंजॉय किया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। बढ़िया लगा, और कार्यक्रम वार्यक्रम सब बढ़िया, खाना वाना सब बढ़िया, सब ओके। बात हमें कही को आपको कैसा लगा? टाइम है बात, 2 दिन से हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, देखिए आनंद आरती में बड़ा आनंद आया, और आज माता जी का जो है सब कुछ अधिक नौ चंडी पाठ जो हो रहा है उसमें भी बड़ा आनंद आ रहा है। पूरा एकदम फिनिश हो गया, 2 दिन से यहीं पर है, खाना पीना मस्त रहना, फुल एंजॉय चल रहा है, फुल एंजॉय चल रहा है। बहुत बढ़िया आयोजन किया यहाँ पे, प्रसंग मामा करते रहे, हम सब इकट्ठे होते रहे, बहुत मजा आ रहा है। हाँ तो बस फूफा सा ऐसे ही करते रहना है, और हम भी आते रहेंगे, व्लॉग बनाते रहेंगे। भाई ने बहुत अच्छा फंक्शन किया, बहुत मजा आ गई 3 दिन से, और अच्छा आगे और करते रहे, और भाई को लाइक करना। अरे ये सबसे बड़ी बात है।
सब्सक्राइब, ये सही है बस, यही वो मेरी दीदी है, पूना में रहते हैं। आपका कब खत्म हो जाएगा? बस जुलाई में मेरा खत्म हो जाएगा। हाँ, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड किया है अभय को फॉलो करने का। हाँ, थैंक यू दी। तो बस जुलाई में आ जाएगा फिर अहमदाबादी? हाँ, फिर चलो। अच्छा, अभी कितने साल हो गए आपको? 7 साल? 9 साल से ऊपर। पहले 7 का पता था मुझे, और अब 9 साल, 2 साल और बढ़ गया बात। ठीक है, चलो अब फाइनली इस जुलाई में 2023 में आ ही जाएंगे अहमदाबाद, तो और अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद प्रोग्राम बनाते कहीं घूमने का। गोवा तो अभी मैं मना करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो गर्मी है उसमें वो चलेगा। चलो, तो एक फैमिली पूरा ट्रिप सोचते हैं ना, सब पूरी फैमिली को एक साथ ले जाएंगे, तो देखते हैं कब क्या होता है। जो भी हो जैसे भी, जल्दी बताएंगे आपको। अच्छे अच्छे प्रवचन मिले सुनने को। हाँ, अच्छे गायत्री मंत्र मिल रहे हैं, खाने को अच्छा खाने को मिला, चीज और मिल जाती तो बढ़िया रहता। अरे इनका 2 व्हीलर 4 व्हीलर खत्म ही नहीं होता। ऊपर से आप कुछ बोलना चाहेंगे? रिसेंट बहुत मजा आ गया, और आप आ गए तो उसमें 4 चांद लगे। आपकी कमी थी वो पूरी हो गई। अरे बुआ साहब, वो थोड़ा सा काम था, तो कोई बात नहीं जी, पर आए हैं बुआ। पर गोवा में आपने क्या किया जरा इस पे हाईलाइट करना, वो आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग के अंदर। की मस्ती खत्म नहीं हो रही है, बढ़िया करो गौरी अम्बे जयो जयो जगदम्बे। तो जी आ चुके हैं फाइनली उदयपुर, और ये जो इवेंट था गोवा में, हमने मज़ा तो करा, 3 दिन का इवेंट था। और उसके बाद जब हम कसिनो गए, कसिनो के अंदर के शॉट्स तो मैं नहीं दिखा सकता, बट अंदर जो फील आई है ना भाई साहब, मतलब रही सी, जितना पैसा है ना सब यहीं है ऐसा लगा। क्योंकि जिस तरीके से हम उस बोट में गए थे, और फिर वो जो शिप था उसका आनंद, उसका एक्सपीरियंस ही अलग है। जो 4-5 घंटे हमने वहाँ पर बिताया ना, वो अलग ही लेवल के थे, मज़ा आ गया। क्योंकि अलग ही दुनिया भाई साहब, मतलब आपको लगता ही नहीं कि आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हो बाहर की दुनिया से। क्योंकि फ़ोन वोन भी इतने किसी के आए नहीं, क्योंकि इवेंट ओवर हो चुका था। मम्मी पापा को कह रखा था कि 1 बजे की फ़्लाइट है, और फिर मज़े तो आने ही थे। अभी तो हम इवेंट टीम की तरफ से गए थे, तो जितना हो सका हमने उतना ही बताया, बट अगली बार ध्यान रखेंगे कि हम खुद जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, और वो सब चीज़ें आपके साथ, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने जो लम्हे हैं, उन्हें शेयर करें। तो जी बुआ के घर पे जो इवेंट था वो था 2 दिन का, जिसमें कि पहले दिन तो हमने मिस कर दिया, और सेकंड दिन जो था माताजी की हमने पूजा रखी थी, तो उसमें हम शामिल हुए थे, और जो इतने सारे परिवार वाले लोग आए हुए थे, तो उनसे बड़ी तो क्या ही बात है। थैंक्स टू बुआ पापा साहब, ऐसे इवेंट करते रहिए, हम भी आते रहेंगे, ब्लॉग बनाते रहेंगे। 2 दिन का मिक्स करा, तो पता नहीं आपको कैसा लगा, पर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बट जो एंडिंग है इसकी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम हमेशा करते हैं आए हैं अपनी फैमिली के साथ। आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, होप करता हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। Stay safe, stay healthy, come on, Ganesh.